नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल होम प्लान फॉर यू। आज हम देखेंगे 25 फीट × 40 फीट का प्लान जो कि 1000 स्क्वायर फीट और इसमें होगा 2 BHK और इसका रिक्वायरमेंट होगा एक्सटीरियर, एक डाइनिंग कम लिविंग, किचन, एक टॉयलेट कॉमन टॉयलेट, एक बेडरूम, एक दूसरा बेडरूम, एक कॉमन टॉयलेट, एक स्टडी रूम, ऐसे 25 फीट और ऐसे 40 फीट हो जाएगा। रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि आपको प्लान का सब कुछ मालूम चल जाए। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। ये हो जाएगा आज का प्लान का फुल व्यू। अभी हम देखेंगे इसी 1000 स्क्वायर फीट प्लान का डिटेल से। ये हो जाएगा मेन गेट। मेन गेट के सामने जो स्टेयर है उसका लेंथ हो जाएगा 13 फीट 8 इंच, जैसे विड्थ हो जाएगा 6 फीट 8 इंच। जो डाइनिंग कम लिविंग रूम है उसका लेंथ हो जाएगा 15 फीट 8 इंच एंड इसका विड्थ हो जाएगा 12 फीट 8 इंच। जो एक किचन है उसका लेंथ हो जाएगा 7 फीट एंड इसका विड्थ हो जाएगा 6 फीट 10 इंच। और जो एक कॉमन टॉयलेट है उसका लेंथ हो जाएगा 7 फीट 3 इंच एंड इसका विड्थ हो जाएगा 5 फीट। एक जो पहला बेडरूम है उसका लेंथ हो जाएगा 12 फीट एंड इसका विड्थ हो जाएगा 11 फीट 3 इंच। जो दूसरा बेडरूम है उसका लेंथ हो जाएगा 11 फीट 2 इंच एंड इसका विड्थ हो जाएगा 11 फीट। जो दूसरा टॉयलेट है उसका लेंथ हो जाएगा 7 फीट एंड इसका विड्थ हो जाएगा 4 फीट 5 इंच। जो स्टडी रूम है उसका लेंथ हो जाएगा 8 फीट एंड इसका विड्थ हो जाएगा 7 फीट। ये हो जाएगा डिटेल साइज का फुल व्यू। प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी चैनल पे आपके कमेंट की साइज के हिसाब से वीडियो अपलोड करता हूँ। बेल आइकन को प्रेस कर दें क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लाइक शेयर करके हमें ज़रूर सपोर्ट दें। अभी हम देखेंगे ये 2 BHK का इंटीरियर। ये हो जाएगा आपका मेन गेट। ये हो जाएगा स्टेयर। स्टेयर का ऑफ ऐसे ओके एफ और लैंडिंग हो जाएगा। जो डाइनिंग कम लिविंग रूम है इसी कॉर्नर पे आप एक सोफ़ा डाल सकते हैं और सोफ़ा का सामने एक टीवी यूनिट हम दिए हैं। जो किचन है हम इसी वाल पर एक फ्रिज दिए हैं और ये हो जाएगा आपका स्लाब। और यहाँ पर एक स्टोव दिए हैं और इसी कॉर्नर पे हम एक सिंक दिए हैं। यहाँ पर एक विंडोज है जो कि वेंटिलेशन के लिए अच्छा हो जाएगा। जो कॉमन टॉयलेट है पहला वाला डोर का राइट साइड में हम दिए हैं एक वॉश बेसिन और इसी वाल पर दिए हैं एक शावर और आउटर वॉल पर दिए हैं एक कमर। जो बेडरूम वन है इसी कॉर्नर पे हम दिए हैं एक मिरर यूनिट और इसी वॉल पर हम दिए हैं एक बेड और इसी वॉल पर दिए हैं एक वेड्रॉफ। जो बेडरूम टू है इसी वॉल पर हो जाएगा एक वेड्रॉफ, यहाँ पर हो जाएगा आपका एक मिरर यूनिट, यहाँ पर हो जाएगा आपका बेड। जो कॉमन टॉयलेट सेकेंड वाला है उसका हम आउटर वॉल पर दिए हैं एक कमर, इसी वॉल पर दिए हैं एक शावर और डोर का लेफ्ट साइड में हम दिए एक वॉश बेसिन। ये हो जाएगा आपका स्टडी रूम। स्टडी रूम पर यहाँ पर हम एक टेबल दिए हैं और यहाँ पर हम एक सेल्फ दिए हैं। एक्चुअली ये दोनों भाग का एक पार्टीशन हुआ है इस प्लान में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर जरूर करें क्योंकि दूसरों को भी कुछ हेल्प हो जाए। कमेंट करके ये बताइए कि आपको किसी साइज का प्लान चाहिए। ये हो जाएगा इंटीरियर का फुल व्यू। इंटीरियर का फुल व्यू PDF डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। मिलते हैं एक नया वीडियो पे। थैंक यू।